हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाएंगे, अपने रिलेटिव से मिलवाएंगे। तो ब्लॉग हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग गेस करिए कि आज हमारे यहाँ क्या है, सब लोग क्यों आए हुए हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है और हम सब लोगों के चेहरे इतने खिले खिले क्यों हैं। तो हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे यहाँ क्या है, क्यों हमारे यहाँ सब लोग आए हुए हैं, हम लोग इतनी मस्ती क्यों कर रहे हैं। देखिए कि हमारी दोनों सिस्टर आ चुकी हैं। 10 बजे के करीब हमारी दोनों बहनें आ गई थी और ये सभी लोग आराम कर रही हैं। थोड़ा सा किचन में खाने की व्यवस्था भी चल रही है। तो आज हमारे यहाँ सभी लोग आने वाले हैं, कुछ खास है आज। तो आज हमारे लिए ये जो खास दिन है, हम इसी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए टीवी चल रही है और किचन में हमारा खाना भी पक रहा है। थोड़ा थोड़ा हम काम निपटा रहे हैं ताकि एकदम से हमें ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये देखिए, खाने की भी तैयारी चल रही है। इधर हमारी चाय पक रही है एक तरफ हमारा काढ़ा पक रहा है और ये कुछ हमारे मसाले थे जो हमने फ्राई करके रख लिए हैं, इनको अभी पीसेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हमारा काम भी निपट रहा है और हम सब लोग मस्ती भी कर रहे हैं। ये आयुष्मान आए हैं बाहर से खेल कर। तो ये देखिए, हमारी छोटी सिस्टर जो हैं अपना खाना पकाने लगी हैं, तैयारी कर रही हैं धीरे धीरे से। इनका कहना है कि थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए ताकि शाम को हम सब लोग फ्री रहेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे। तो 5 बज रहा है और ये पनीर फ्राई कर रही हैं। तो ये इतना सारा खाना किसके लिए बन रहा है, क्या है आज, हम आपको पूरा बताएंगे। आप सभी लोग ब्लॉग पर पूरा बने रहिएगा, देखते रहिएगा, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनने जा रही है, तो उसी की तैयारी चल रही है। पनीर फ्राई हो रहा है, मटर मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो देखिए, ये हमारी छोटी बहन है जो कि खाने में लगी हुई हैं। जब से आई हैं कोई ना कोई काम करती जा रही हैं। अभी हम आपको बउआ से भी मिलाते हैं। ये देखिए, ये हमारी बहन का बेटा है, बहुत ज़्यादा नटखट है। तो ये अकेले मस्ती कर रहे हैं, कमरे में लेटे हुए हैं। हम इनके पास आए हैं और हम इनसे बोल रहे हैं कि ये सबसे हेलो बोलें। तो देखिए, ये हाथ हिला रहे हैं लेटे लेटे। तो अभी ये आप लोगों से बैठकर हेलो करेंगे। मैंने इनको बोला है कि हेलो बैठ के करते हैं। तो ये देखिए, बैठने जा रहे हैं और ये देखिए, हेलो भी कर लिया है आपसे। तो अब हमारी मम्मी आ गई हैं। देखिए, बहनें हमारी पहले आ गई थी, तो अब शाम का समय है, 7-8 बज गया है। तो मम्मी भी आई हैं। ये देखिए, हमारी दूसरी मम्मी भी आई हुई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी दूसरी मम्मी कौन है। तो ये हमारे भैया की सासू माँ हैं, तो जो येलो सूट पहने हुए हैं। और ये देखिए, बच्चे गुब्बारे लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि आज कुछ ऐसा ही है। तो देखिए, ये हमारे भैया की सासू माँ हैं, हमारी मम्मी जी हैं, ये भी मम्मी जी हैं। तो दोनों मम्मी हमारी पास पास बैठने के लिए बोल रही हैं कि हम दोनों बहनें एक साथ बैठेंगे। ये भैया हमारे आ रहे हैं और ये देखिए, हमारे बहनों ही आए हुए हैं। ये हमारे छोटे भैया हैं, सभी लोग आए हुए हैं। अभी एक बहनोई हमारे नहीं आए हैं। तो बैलून देखकर आप लोग समझ रहे होंगे कि आज कुछ खास है हमारे यहाँ। तो देखिए, मम्मी मम्मी दोनों पास पास बैठ गई हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं दोनों लोग। और इधर तैयारी चल रही है, ये बहन हमारी खाने में लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बिजी है, अभी तैयार नहीं हुई है। तो जब से आई हैं ये दोनों बहनें हमारी किचन में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अब ये रेडी भी होंगी। जब ये रेडी होंगी तभी हमारा आगे का कार्यक्रम होगा। ये देखिए, बाबूजी तैयार हो गए हैं जो कि टैबलेट चला रहे हैं। भैया हमारे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बच्चे बैलून लगा रहे हैं, सिस्टर भी हमारी लगी हुई हैं बैलून सजाने में। इन्होंने सारे गुब्बारे लगाए हैं एक एक करके, कमरे को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो लगभग हमारी सारी तैयारी हो गई है, खाना भी हमारा
पक चुका है। अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और आप लोगों को बता देंगे कि आज क्या है। फ्रेंड्स, तो आज है हमारा बर्थडे, तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो देखिए, बच्चों की जिद थी कि मम्मी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो इसीलिए आज हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो सभी लोग आए हुए हैं बर्थडे में, हमने सबको बुलाया है। बहनें आई हैं हमारी, मम्मी आई हैं, सब लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम केक काट देंगे जल्दी से, क्योंकि शाम हो गई है, 8 बज गए हैं और अभी सबको वापस जाना है। इसलिए हम केक थोड़ा जल्दी जल्दी से काटेंगे और जल्दी से पार्टी ख़त्म करेंगे। तो आप सब लोग देखिए और इन्जॉय करिए।
बेटी का दिया हुआ गिफ्ट दिखाएंगे फ्रेंड। तो सचमुच बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जिसको देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। आपको ये गिफ्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बेटी ने कितनी बढ़िया चॉइस की है मम्मी के बर्थडे पर, मम्मी को क्या गिफ्ट देना चाहिए बच्चों को बहुत अच्छे से पता रहता है। और सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट।